वो डॉग लेके जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा शाम का माहौल हो रखा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा धूप कम हो गई ना तो अच्छा लगता है। क्लाइमेट ही इतना अच्छा लगता है ना। अभी लगता है गाना कौन सा तो देखो, नाचने चालू करेंगे अभी। ऐसा क्लाइमेट है तो क्या आराम से ऐसा जानेगा। ये इससे ही पता चल रहा है, अभी अभी जस्ट बारिश हो गई है, यहाँ पूरी मिट्टी गीली पड़ी है। ये पीछे जो देख रहे हो ना गाइस आप, ये मॉम का कॉलेज है। और ये पौधे से बहुत सी आते जुड़ी है। यहाँ ये बिल्ड आउट का है ना हमारे, हाँ ये देखो तो क्या होता था पहले, हम यहाँ कॉलेज में थे तो बुक्स की या कुछ तो ऐसे बिल्ड आउट थे। हाँ वो तो कॉलेज लाइफ मतलब ये चल रही है और शादी के बाद उनको सब पता चल गया ये कॉलेज का। तो वो ऐसे ही बातें करते करते बोलने लगे हमारे, और मुझे भी मालूम हो गया उनका ये शौक। ये देखो ना मतलब हम सभी जाते थे नेत्रा प्रीति सभी मतलब अर्चना, अभी एक का नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी थे। तो हम यहाँ जाते थे और बाद में एक दो मतलब हमारे ग्रुप की थी इसी बात उसने बताया जीजू को, हमने पहले देखा था लेकिन मैंने नहीं देखा, उन्होंने देखा था। वो यहाँ बहुत साथ थे, तो कभी कभी आते ज़्यादा नहीं देखा साथ आते हैं वो कनेक्शन आप लोगों पहले से, लेकिन आपको पता ही नहीं था। पता ही नहीं, अभी ऐसा देखा मुझे तो नहीं ला, लेकिन उन्होंने शादी के बाद मेरी सहेली। अभी हम जा रहे हैं मॉम के कैफे पे गाइस, मतलब जो मॉम कॉलेज में थी ना उस वक्त वो जहाँ पे जाती थी ना वहाँ पे जाएंगे हम। और यहाँ भी ये रहता था वो एक टिपिकल होता ही है हर कॉलेज के बाहर, कोई तो एक ऐसा फेमस होता है वो उधर सब जाते हैं। और हम कैंटीन में जाते ही नहीं थे। वो मॉम तुम्हें पता चल रहा है क्या, मतलब वो तब से है कि हर कॉलेज के बाहर एक जेरॉक्स का और एक चाय का ऐसा एक सेंटर होगा कि वो जहाँ सब जाते हैं। बटरफ्लाई है यहाँ शुद्ध वो कैफे थे हमारे, मतलब तीन हो गए देखो अभी ये आपा एक का, ये आपा का साधना और शारदा, शारदा। ये हम तीनों यूज कर रहे हैं। नेत्रा का तो शारदा फेवरेट था, मेरा साधना था, और बाकी भी हमारी ब्रांड में बहुत सी लड़कियां थी ना उनका अलग अलग था, सबका अलग। हाँ हो चुका था साधना और शारदा, तो कभी इधर कभी उधर या अब्बा भी दे देते उसको भाई। अभी हम ऐसे ही चलते चलते पहुंच चुके हैं दसरा चौक में। ये जो आप देख रहे हो ना ये दसरा चौक है, इसकी स्टैंड भी है ये वो मुझे अभी ना मॉम इतना अच्छे से वो उसका ये कर रहे है नरेशन बता रही है हर जगह की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस टाइम में टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। अरे बंद है, बंद हो गए। देखो ये कौन सा मंदिर है, ये वायोनी गणेश मंदिर। हाँ हाँ तब भी था ये, हाँ लेकिन अभी कुछ तो ऐसा रिनोवेशन टाइप। चलो नहीं तो यहाँ चाय मिलेगी ना बहुत, अभी बहुत सारे एक नंबर था लेकिन आइसक्रीम मजा आ गया। हमारे यहाँ मैंने तो अभी तक भी नहीं देखा, मतलब हमारे घर के पास तो मतलब कुछ है नहीं, थोड़ा शॉप है। हाँ वो ऐसे करना पड़ता है, या फिर वो किसी भी होटल में जाके वो आइसक्रीम ऑर्डर वैसा है। कैसे लग रहा है कोल्हापुर की स्ट्रीट्स पर लस्सी? बहुत अच्छा।
आज का दिन और आज के दिन का स्केड्यूल यही खत्म होता है और बाकी आज हम सिर्फ सोने का काम कर रहे हैं। बस आज दोपहर को हम निकले और जर्नी में ही सारा टाइम चला। क्या करेंगे कल? पूरा राधा नगरी जाने का भी हमारा प्लान है, वैसे वो कल या परसों देखेंगे, डिपेंड करता है कैसे सिचुएशन है। कल तुम मुझे शॉपिंग करने ये रिक्शा का टायर ऐसे चेंज करते हैं क्या? मतलब उसको कुछ वो नहीं होता स्टैंड वगैरह? हाँ ऐसे ही होता है। हाँ 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 पूरा नहीं गिराते ना।